और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर सियासत लगातार जारी है और आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कश्मीरी पंडितों को लेकर के जो बयान दिया है उस पर भी विवाद मच चुका है। दरअसल भूपेश बघेल ने ये कहा है कि कश्मीर फाइल्स में सिर्फ और सिर्फ आधा सच दिखाया गया है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की बात की गई है, जबकि 1990 में बौद्ध सिख मुस्लिमों की भी हत्या की गई थी। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी का समर्थन हासिल था और उस वक्त कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रुकने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें यह कहा गया कि वो कश्मीर से चले जाएं। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी फिल्म को मुद्दा बना करके 2024 का एजेंडा सेट करने में लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मूवी देखने के लिए गए थे द कश्मीर फाइल्स, और उसके बाद जो उनका पहला इंस्टेंट रिएक्शन आया वो इस मूवी को लेकर के, देखिए किस तरीके से डिस्क्रेडिट उन्होंने किया है इस मूवी को लेकर के। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में आधा सच दिखाया गया है, सुनिए। आधा सच दिखाया गया है, हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है, वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो चाहे बौद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है और मुस्लिम को भी मारा गया है, तो वो चीज़ें तो नहीं दिखाई गई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई, जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ, ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में था। सर जिस तरीके का माहौल उस समय, जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे, कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा।